हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के काउंसलिंग प्रोसीजर कह लिए या फिर एडमिशन का प्रोसेस कह लिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान है आपको सबसे पहले समझना कि जैसे ही जब रिजल्ट आएंगे जामिया में, आप जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दिए, रिजल्ट में तीन चार बातें होता है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए होता है, लेकिन उन सब में कुछ चीज़ ऐसा है जो हर स्टूडेंट का आजकल क्वेरी आ रहे हैं, लाइक जामिया के एडमिशन प्रोसीजर को लेकर या फिर काउंसलिंग प्रोसीजर को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काउंसलिंग प्रोसीजर है या एडमिशन प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है जामिया का, बिल्कुल डिट्टो सेम है। और अभी जो हम बताने वाले हैं, यही आपका चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, उनको भी सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। यानी एडमिशन का जो फॉर्मेलिटी जो है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा ही होने वाला होगा। अभी मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रखा हूँ, जैसे लाइक अभी आपको पता ही है कि जामिया का रिजल्ट आ चुका है कुछ कोर्सेज का, जिसमें B62 BSc केमिस्ट्री का आ चुका है। इस तरीके से जैसे BA पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स हो, BBA BCom के स्टूडेंट्स हो, जितने भी है बाकी कोर्स का, तो रिजल्ट आ ही जाएंगे ऐसे कल में, या मतलब आ चुका है तो आना शुरू हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जिन कोर्स का नहीं आया है उनका बहुत जल्द आ जाएगा। खैर, अब अगर हम बात करें, जितने भी रिजल्ट आपके पास आएंगे, हर रिजल्ट में कुछ चीज़ें मेंशन होगा। एक तो एडमिशन का डेट मेंशन होगा, दूसरा ये सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तीसरा ये कि उस कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में, और चौथी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स का नाम आया हुआ है, और पांचवा चीज़ ये भी है कि इसी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का भी नाम होगा। तो हम सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये भी बताएंगे कैसे एडमिशन्स होगा। बड़ा आसान है, देखिए, जो अभी तो मैं सिंपली ही कहूँगा, जिस भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया वो एक बार थोड़ा नज़र जरूर रखें। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, आप जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया और अगर आपका नाम आ गया है तो उस चीज़ को रिलेट करके समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिजल्ट आए, सारे रिजल्ट में आपका चार पांच बातें मेंशन है ही, आपके एडमिशन के डेट, आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और आपके कट ऑफ, कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में किन बच स्टूडेंट का नाम आया है। चलिए हम पॉइंट नंबर वन से क्लियर करते हैं। देखिए, हर जितने भी मतलब रिजल्ट आ रहे हैं सब में ये मेंशन हो, क्योंकि यही मतलब आपको एड्रेस बताया जाता है कि हाँ भाई, इस एड्रेस पे जाकर आप जामिया कैंपस में जाकर एडमिशन ले लें। तो अगर इनके हिसाब से देखें, मतलब अगर हम इस हिसाब से नोटिस करें, तो इनका जो एडमिशन है 8 अगस्त से 13 अगस्त, यानी 3 दिन का टाइम मिला है, जो कि ये जो फैकल्टी है या ये जो बिल्डिंग है, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, जो कि जामिया के गेट नंबर 7 पे है, लेफ्ट हैंड पर आई थिंक ये बिल्डिंग है, और NCC के थोड़ा सा आगे है, NCC ऑफिस है उससे आगे थोड़ा है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि भाई हमें एडमिशन कहाँ मिलेंगे और क्या मतलब किस डेट में मिलेंगे और किस जगह पे मिलेंगे, क्लियर है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स मेन है। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो एडमिशन का होने का पूरी चांस है, नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन अभी पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, आपका लिस्ट नाम आ गया है, अब आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान दें। नंबर एक ये कि जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके पास एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और एटलीस्ट टू दो फोटो, मैक्सिमम चार पांच लेकर जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो फोटो लेकर जाइएगा, बाकी कहेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है ना, फॉर्म में ही जो है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी मेंशन है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का नाम से मेंशन है, आप उसको वहां से निकलवा लेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे, और एडमिट कार्ड को भी प्रिंट निकलवा लेंगे। यानी पॉइंट नंबर 1 में तीन चीजें कहा गया है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एटलीस्ट दो फोटो। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद ओरिजिनल मार्कशीट। बड़ा आसान है, जैसे अगर बाई द वे आपने BA में, यानी UG कोर्स में, BA नहीं बल्कि UG कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th की मार्कशीट होता है। लेकिन वही अगर आप लाइक मास्टर्स में अप्लाई किए हैं, मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट होते हैं, और वो आपको सबमिट करना होता है। सवाल यहाँ पे होगा कि ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सीन है कि 12th का रिजल्ट आ चुका है, ज़्यादातर बोर्ड एक्सेप्ट CBSE। यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मार्कशीट नहीं होंगे, उनका क्या होगा। तो देखिए, इनकेस अगर CBSE का रिजल्ट आ जाता है और उसके जो जो ऑनलाइन प्रिंट निकलवाएंगे उसको भी जाकर आप जमा करेंगे, यानी उसको भी जाकर अगर जामिया में एडमिशन में स्लिप के तौर पर अगर जाकर जमा करेंगे वहाँ पर मार्कशीट को, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर यह है कि जामिया आपको स्पेशली एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देगा कि बाबू ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दीजिए, उसके बाद फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। हालांकि एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, लेकिन स्टिल क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही मेन होता है, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और फिर बताना पड़ेगा, एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि हाँ भाई, किस वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। अगर लाइक रिजल्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 मंथ के बाद आप रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो देन आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड पे, मतलब अगर हम जो मार्कशीट को लेकर बड़ा क्लियर हो जाइए, अब कुछ जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं होगा, तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसमें भी जामी ने बताया कि हाँ भाई, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कब तक सबमिट करेंगे, उसके भी बारे में बताया, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि जैसे अगर आप आई दे, बड़ा सिंपल, अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो आपका 10th का मार्कशीट काफ़ी होता है। अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पीजी कोर्स में लेना चाह रहे हैं, तो भी आपका 10th का जो मार्कशीट है वो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बना रखे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लेकर जाइए। एक बात और ऐड कर दें, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स करा कर दोनों चीज़ें, मतलब एक एक जो सेट होना चाहिए आपका ओरिजिनल सारा होना चाहिए, दूसरा आपका सारा जीरोक्स होना चाहिए, मतलब इस तरीके से लेकर जाइएगा। खैर ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट देन लेकर जाइए, नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है, इसलिए 10th का मार्कशीट का जीरोक्स जरूर लेकर जाएंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास कोई भी आईडी होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो इस समय कोई एक आईडी कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब वैसे स्टूडेंट जो मुस्लिम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, अब देखिए ये स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि इनका नाम, मतलब ये एक्चुअल में ओबीसी हैं, मतलब मुस्लिम ओबीसी के अंदर आते हैं या मुस्लिम एसटी के अंदर आते हैं, और इनका नाम जो है आ गया होगा जनरल में या मुस्लिम कैटेगरी में आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ओबीसी का और एसटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब अगर आपका ओबीसी में नाम है देन गुड, एसटी में भी सीट में है वो भी गुड, उसमें भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपनी कैटेगरी का। लेकिन अगर आपका नाम जनरल में आ जाए या मुस्लिम कैटेगरी में आ जाए, उस केसेस में भी आपको देना पड़ेगा। किन स्टूडेंट्स को? जो मुस्लिम ओबीसी और एसटी कैंडिडेट है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे देखा तो वैसे स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं, जो जम्मू कश्मीर से हैं, उन सभी को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको कैटेगरी का नहीं बल्कि उनको स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे कर यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, आपको कैरेक्टर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर, यानी आपको ब्लड ग्रुप की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब आपको भी नॉमिनल, इसमें बहुत बड़ा मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है, उस टाइप से कोई प्रॉब्लमेटिक से नहीं है, आप जो मतलब अपने हिसाब से कोई लाइक मतलब किसी ढंग के डॉक्टर के यहाँ से आप ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में कह रहा है कि अगर आपका गैप है जैसे मान लीजिए आपने ब्लैक 12th जो है वो आपने 21 में किया है और 22 में आप कहीं एडमिशन लेने वाले हैं, तो एक साल का गैप हो गया है, तो उस केसेस में आप गैप का एफिडेविट बनवा लीजिए कि हाँ भाई उस टाइम क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जो भी है आप कर रहे थे आपको बता देना है। क्लियर है? इसके अलावा ये है कि एक एफिडेविट गैप का हो गया, अगर गैप है तो नहीं है तो फिर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? दूसरा एफिडेविट है, एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटीज एट पर प्रिस्क्राइब फॉर्म, मतलब आप किसी भी तरीके का रैगिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं होंगे, उसके बारे में भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब ये जो एफिडेविट बनता है रैगिंग का, वो दो बनता है, एक स्टूडेंट्स के भी आप में, एक पेरेंट्स के भी आप में, तो यानी दो एफिडेविट यहाँ रिक्वायर्ड होंगे, और एक वो जो गैप है, अगर गैप नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि आपको ये दो एफिडेविट जो है सारे स्टूडेंट्स को बनाना पड़ेगा, कौन सा? रैगिंग वाला। नेक्स्ट अगर यहाँ पे करें पॉइंट नंबर 13, जो सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल था, करें इन केस प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट्स इन अनेबल टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट फैकल्टी सेंटर ऑफ एग्जाम सपोर्ट एलिजिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस। अब इन्होंने एक डेट मतलब एक टाइमिंग रख दिया, एक ये डेडलाइन है, मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप लाइक ऐसा होगा मान लिया आपका नाम आ गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, कोई भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर भाई मार्कशीट नहीं है या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आपको मैक्सिमम 9th सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है, 9th सितंबर तक आपको एट एनी हाउस डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उस बीच में चाहे जिस भी स्कूल से जहाँ से भी अपना मार्कशीट वगैरह जो भी कैरेक्टर वगैरह जो भी वहाँ से लेने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज अभी मैं आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 14 पॉइंट पे करें कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ स्लिप। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हालांकि पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पे कुछ एफिडेविट के बारे में मेंशन नहीं है। एक तो उनके बारे में मुस्लिम जो वुमेन है उनका उनके एफिडेविट के बारे में मेंशन नहीं किया गया, और मुस्लिम में जो कैटेगरी में मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी मेंशन नहीं किया, मतलब मुस्लिम वुमेन का और मुस्लिम का यहाँ पे एफिडेविट के बारे में बात नहीं किया गया। हालांकि जामे में जो एडमिशन होते हैं इन दोनों को, एक तो मुस्लिम गर्ल्स है उनको मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनाकर देना होता है, और जो जामिया में मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने अपना कैटेगरी मुस्लिम चूज़ करा है उनको भी अपने मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। लास्ट तो यही था, इस बार इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं करा, लेकिन हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े सबमिट करने को लिखा है। सवाल यहाँ हो सकता है कि एफिडेविट कहाँ बनवाए, तो मेरा एक सजेशन होगा, हालांकि मैं ही नहीं कहता कि आप वहीं करें, लेकिन हाँ ये कि अगर आपको टाइम बचाना है तो जरूरी है कि आप वहाँ जाकर बनवाइए। जामिया के पास में ओखला हेड है, मतलब जामिया से जस्ट कुछ ही दूर पे 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में ओखला हेड है, वहाँ पे जाएंगे, आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन के नाम से शॉप है, वहाँ पे एफिडेविट बिल्कुल 5 से 10 मिनट बनाकर आपको दे देगा, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बनाकर दे देगा, उसके बाद आप डायरेक्ट जाम में जाकर एडमिशन ले लेंगे। ये सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब सवाल होगा कि एडमिशन किस टाइप से होंगे या काउंसलिंग किस तरीके से होंगे।
देखिए अभी काउंसलिंग या एडमिशन उन स्टूडेंट्स को होगा जिनका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट वालों को अभी जाने की जरूरत नहीं, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए फिर से लिस्ट आएगा और उसमें उनको जाना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले जो आपको बताया गया, क्या बताया गया टॉप पे ही कि भाई आपको कहाँ जाना है, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में। आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जेरोक्स के साथ 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 ओरिजिनल, हाँ एफिडेविट का जेरोक्स करने की जरूरत नहीं है, आप जो बनाए वही लेकर जा सकते हैं। खैर ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने जो बताया वो सभी लेकर जाएंगे जामिया के कैंपस में, यानी इस सेंटर पे जाना होगा फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस जो कि जामिया गेट नंबर 8 पे। इस तरीके से जिनको डिप्लोमा नाम आएगा वो पॉलिटेक्निक वाला में जाएंगे, जिस मतलब नाम मेंशन रहेगा। ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कोर्स की बात करूँ, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है सारे कोर्स के लिए सेम प्रोसीजर है। फर्क ये है कि जो स्टूडेंट्स यूजी में अप्लाई किए हैं उनको 12th की मार्कशीट जरूरत पड़ेगा, जो पीजी में अप्लाई किए हैं उनको उनको जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट रिक्वायर्ड हो। इस तरीके से मतलब क्वालिफिकेशन जो रखा है ना वो एटलीस्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे बस ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपको बताया गया वहाँ पे जाएंगे। जाते ही आपको बैठाया जाएगा, एक बड़ा सा हॉल रहेगा वहाँ बैठा दिया जाएगा। अगर नहीं भी हॉल रहेगा तो भी आपको एक लाइन लगने को कहा जाए, भाई आप लाइन लग जाइए। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक एक फॉर्म या एक पेज दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पेज या तो एक पेज का हो, मतलब एक फॉर्म जो हो एक पेज का हो, या दो तीन पेज का भी हो, ऐसा हो सकता है। बट डिपेंड करता है फैकल्टी, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में जिन स्टूडेंट्स का नाम होता है उनका 3 से 4 पेजेस का होता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एक ही पेज में काम चल जाता है। लेकिन सवाल होगा कि फॉर्म होता क्या है। उस फॉर्म में बस यही होता है कि आपका आपको अपना नाम बताना होता है, फादर्स नेम मदर्स नेम, इसके अलावा आपका सिग्नेचर थंब ये सब, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर। एप्लीकेशन नंबर बल्कि आपका रोल नंबर रिक्वायर्ड होंगे और किस कोर्स में आपने पास आउट हुए वो बताना होगा, बस वो फिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके चॉइस वाले सिस्टम है, जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ कोर्स ऐसे जहाँ पर चॉइस होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई डिप्लोमा में अप्लाई किया तो डिप्लोमा में 5 ब्रांच वहाँ पर चॉइस मिलेंगे, बीटेक वाले में चॉइस मिलेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस में अगर इनका नाम है उनको भी चॉइस मिलेंगे, बीए और पॉलिटिकल साइंस बीबीए बीकॉम में भी चॉइस मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा जहाँ वहाँ पे आपको चॉइस डालना हो कि हाँ भाई फर्स्ट पे किसको रखना चाहते हैं। हालांकि फर्स्ट पे तो ऐसे भी आपका नाम आया होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पहले क्योंकि लिस्ट में नाम आएगा तो पता चल गया होगा, लेकिन वहाँ पे बताना होगा कि हाँ भाई आपको कौन सा मतलब ब्रांच मिला है क्या मिला है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सामने जो टीचर बैठे होंगे उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे क्लास में टीचर होंगे, उस हॉल में टीचर होंगे, उनका आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही जब सबमिट करेंगे उनको देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो आपको दूसरे बंदे के पास भेजेंगे। वहाँ जाने के बाद वो भी आज वो प्रोफेसर ही होंगे, प्रोफेसर में से एक होंगे, फिर वो फाइनल वेरीफाई करेंगे। मतलब एक टीचर पहले आपको पूरा देख लें हाँ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं नहीं, ठीक। उसके बाद दूसरे टीचर के पास फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होते ही जस्ट बाद आपको एक फीस स्लिप मिलेगा, जो कि यहाँ पे लास्ट में बात किया है, ये काउंटर फाइल की बात कर रहे हैं। एक फी स्लिप मिलेगा जो कि मैं आप बता रहा हूँ सैंपल के तौर पे समझिएगा। ये फी स्लिप जो है 4 पार्ट में बटे रहेंगे, एक ही पेज रहेंगे लेकिन ये 4 पार्ट में रहेंगे। होगा ये कि जैसे ही जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाएगा तो फिर आपको जो है ये फी स्लिप दिया जाएगा। ये फी स्लिप लेकर जामिया के पास में 2 बैंक हैं, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इसमें नाम और फी स्लिप और कोर्स का नाम मेंशन होगा, कितना फी पे करना है इसमें मेंशन होगा, और बाकी अगर फी चेक करना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि इस कोर्स में कितने फी है। खैर अब इसके बाद जो है आपको ठीक कैंपस में मतलब ठीक आप जामिया के पास में 2 बैंक है, किसी एक बैंक में जाकर, जामिया के पास में बैंक वहीं जाए कहीं और बैंक में चल जाएगा, जामिया के पास में 2 बैंक है इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ दोनों में किसी एक बैंक में जाएंगे। जाने के बाद ये फी स्लिप उनको देते ही वो आपसे पैसा मांगेंगे, उसके बाद वो इस पे साइन करेंगे सब पे, और उसके बाद आपको वो हाफ पार्ट ही है हाफ पार्ट वो खुद रख लेंगे, और रिमेनिंग जो ये हाफ पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँ ये आपको फिर से बैक टू बैक जहाँ आपने एडमिशन लिया वहाँ जाना होगा। मतलब हाफ पार्ट ये आप कहाँ देंगे बैंक वालों को, और ये रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है ये आपको कहाँ लेकर जाना है, ये आपको जामे जहाँ जिस जगह पे एडमिशन ली वहीं। अब वहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है इसका एक पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है कोई भी या तो ये रख लीजिए और ये दो में से कोई एक रख लीजिए, मतलब एक रखना और एक जाके कैंपस में दे देना है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। देने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, इस तरीके से आप घर चले आएंगे। यही है जामिया का एडमिशन का फॉर्मेलिटीज। इस तरीके से मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजी कोर्स के बाद, सारे कोर्स में ऐसा ही होने वाला है, कोई मतलब होने में बल्कि ऐसा ही होगा ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, ये ऐसा ही होता ही है। बाकी यही कहेंगे, कोई भी क्वेरी हो नहीं सुनना है आप कमेंट कर दे, और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।